ये कहानी नंदिनी की है। पति की मृत्यु के बाद अपना गम और जिम्मेदारियों को संभालने में उसके दो ही साथी हैं, साहस और शिक्षा। जया इस कहानी का दूसरा पहलू है। जया जो पूरी तरह हालात की मोहताज है, विकल्प का अभाव उसकी ज़िंदगी की सच्चाई है और शिक्षा की कमी उसकी सबसे बड़ी मजबूरी। नंदिनी की बेटी मीनू स्कूल तो जाती है, लेकिन क ख ग घ से बढ़कर एक सबक है जिसका वास्ता विवेक, सूझबूझ और उदारता से है, और शायद इसका ज्ञान अभी मीनू को कम है। हर सुबह वही सवाल, ये दिन कैसे कटेगा। मैं खुद को कहीं दूर से देखती हूँ। ये नंदिनी है, खाती पीती है, हंसती बोलती है, कभी बैंक में धक्के खाती है, कभी बिजली के बिल की लाइन में। आज तुम्हारे एक्सीडेंट को 350 दिन हो गए। अकेले इस दुनिया से जूझते हुए 350 दिन हो गए। आई एम सो एक्सॉस्टेड। पता नहीं ये दिन रात का बोझ कब कम होगा। नींद भी तो नहीं आती। डॉक्टर्स ने तो एक्सीडेंट के बाद 15 दिन सेडेटिव्स खाने को कहा था। क्या सोचा था, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बट दैट्स नॉट फेयर। गोलियां कब तक खाते, और बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल तो भेजना ही पड़ता है। कम से कम उनका रूटीन बना रहे, उन्हें हर परेशानी हर प्रॉब्लम से बचा ले, सो दैट देयर लाइफ डजंट चेंज टू मच। आशु तो छोटा है, पर मीनू आशु, उठो बेटा, बस छूट जाएगी। आशु जल्दी बाहर निकलो, आज सारा दिन बाथरूम में ही रहना है क्या? आशु, आशु तुमने अपना गीला तो लिया, फिर मेरे सामने रख दिया। अम्मा, मेरी मैथ की कॉपी नहीं मिल रही। चिल्लाओ मत, लुक फॉर इट, तुम अपना काम करो। आशु मेरा पेन तो नहीं लिया। जी नहीं, अपना पेंसिल बॉक्स दिखाओ। कहना नहीं लिया, दिखाओ मत करो, देर हो रही है। अम्मा मेरे मोजे कहाँ हैं? नहीं मैं अलोन। आशु, आशु नाश्ता कर लो। नीनू नहा चुकी?
अम्मा हम आपका रेड एंड ब्लैक दुपट्टा ले लें आज शायद। हाँ ले लो, मैं दूसरा निकाल लूंगी। नहीं रहने दो, हमें नहीं चाहिए दुपट्टा। अरे ले लो, इट्स ओके, आई नेवर रियलाइज्ड यू वुड बी वेयरिंग इट। आशु जल्दी निकलो, अगर बस छूट गई तो हम तुम्हें ड्रॉप नहीं करेंगे। अम्मा आई एम रेडी, मैं जा रहा हूँ। दूध पिया? पी लिया अम्मा। कल बिजली का बिल आया था, कहाँ रखा? पता नहीं। बाय अम्मा। चल यार हरी, अब 3 बजे तो शो शुरू हो जाएगा। ट्राई तो कर रही हूँ, मिलता ही नहीं। Tell you what, let's go to the boutique. इतनी देर में तो वहाँ जाके आंटी से पूछ आएंगे। मुझे हड़बड़ा मत, तो 5 मिनट चुप होकर खड़ी रह। मीनू लेट्स गो यार, तुझे प्रॉब्लम क्या है? बुटीक चल के आंटी से पूछ लेंगे, हॉल के रास्ते में तो है। नो वे। ओके ओके, हॉल के रास्ते में नहीं है, पर यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है। रोका नहीं, वो आंटी थी। आई नो, तो बुलाना था ना यार, इतना चल के आए और आप। सो व्हाट, फिल्म के लिए परमिशन नहीं चाहिए, जाना नहीं है? जी नहीं, मुझे कोई स्टूपिड फिल्म नहीं देखनी। कम ऑन, आई सेड ना नहीं जाना, दैट्स इट। चल वापस चलो, लेट्स गो। मीनू आज तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? सैंडविचेस भी नहीं ले रही? लंच में क्या खाया? कुछ नहीं। आशु पूरी पेस्ट्री मुंह में मत डालो। ट्राई द पेस्ट्रीज मीनू, चॉकलेट है योर फेवरेट। बाजार की पेस्ट्रीज खा खा के हम फेड अप, और वैसे भी अब घर में तो कभी केक बनता है नहीं। सीटी लगाई थी फिर भी कसर बाकी रह गई। दाम बाबा के मोल और सब्जी बिल्कुल बेकार। मीनू लो थोड़ी भिंडी। नहीं चाहिए मम्मी, मुझे भी भूख नहीं है। इतनी पेस्ट्रीज क्यों खाई थी? आप ही तो बच्चों को बिगाड़ती हैं, रोज मिठाई और केक ला ला के। अब दाल रोटी कौन खाएगा?
बस छोड़ दिया खाना। अम्मा की मेहनत की कमाई की कोई चिंता नहीं? चिंता है तो तभी तो इतनी सारी पेस्ट्रीज खाए। अम्मा हमें भी टेस्ट के लिए पढ़ना है। आप तो खाओ, बच्चों का क्या है, वो तो सारा दिन घूम फिर के खा लेते हैं। आप दिन भर के बाद एक टाइम खाते हो। सैंडविचेस तो खाए थे। वो कोई खाना होता है, चील कौओं को खिला दो तो एक बात है, पर इंसानों के खाने के लिए तो सुबह क्यों नहीं आई थी? क्या बताऊं बीबी जी, पिछले साल बेटी का ब्याह किया, उसके मर्द ने दूसरी औरत कर ली। क्या कह रही है केसरी? सच कह रही हूँ, कल देर रात खबर मिली, आज जाके हम उसे ले आए। अब उसके मर्द से बात नहीं की? क्या कहे, वो तो पगलाया है, घर लौटता ही नहीं, बस दिन भर पड़ा रहता है वहीं। और जया? सुनोगे बेचारे, बस गुमसुम बैठी रहती है। फिर अब करेगी क्या? वापस तो वो नहीं जाएगी, पढ़ी लिखी है नहीं, कामकाज कुछ जानती नहीं, देखते हैं भाग में क्या लिखा है। तुम सोए नहीं अभी तक? आज हम तुम्हारे बुटीक आए थे। अच्छा, कितने बजे? मास्टर भी ना रहूं, 3:30 बजे। तुम किसी के साथ बाहर जा रही थी? हाँ, कुछ काम था, एक नया कंसाइनमेंट आया था, उसे चेक करना था। पर तुम क्यों? अपना घर हमारा, तुम्हारा, बच्चों का, पहले तो ये हम दोनों का एक सपना था। बादामी दीवारें, सफेद फर्श, शीशे वाली अलमारी, बरामदे में झूला। अब तुम्हारे बिना ये सपना एक जरूरत बन गया है। एक छत चाहिए सर छुपाने के लिए, पर वो भी कितना मुश्किल है। सपनों में लोन्स, सिक्योरिटीज, ओवरड्राफ्ट्स नहीं होते, पर हकीकत अब हाउसिंग सोसाइटी का 30,000 का लास्ट इंस्टॉलमेंट हम कहां से लाएं, क्या करें? रहने दे बीबी जी, हम आ गए हैं। जया, जया, बहुत दुबली हो गई हो, खाती पीती जो नहीं है। केसरीज डॉटर, हर हस्बैंड हैज लेफ्ट हर फॉर अनदर वुमन। तुम ठीक हो? अरे अरे जया, रोती नहीं है? खराब मर्द मिल जाए तो औरत की जिंदगी मिट्टी हो जाती है बीबी जी, कोई पूछने वाला नहीं रहता। अब कक्का जमना बहाने से क्या फायदा, जीना है तो लड़ना सीख। घर पर चुपचाप बैठी रहती है, मैं इसे जबरदस्ती ले आई, अब काम काज करेगी तो ध्यान बटेगा। जिंदगी तो गुजारनी है ही, चाहे हंस के चाहे रो के। लो बेटी, अब मुंह लटकाने से क्या फायदा, ले ये कपड़ा पकड़ और झाड़पोछ शुरू कर। Thank you.
ये नंदी जी? नहीं, यहाँ पे कोई नंदी नहीं रहती, मिसेज नंदनी सिंह है। ओके। हेलो दीपक, हेलो। हाँ फाइन दीपक, कोई प्रोग्रेस? बैंक मैनेजर से बात हुई? नंदी तुमने अपने अफेयर्स चेक किए या कोई और सिक्योरिटी है? नहीं, कल सारे पेपर्स चेक किए। जोर से बोलो, आई कांट हियर यू। मैं बच्चों के सामने बात नहीं कर सकती, पर अगर उनसे एक मीटिंग फिक्स हो जाए तो। ओके, थैंक्स, बाय। मीनू, तुम्हें दीपक से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हें नंदी क्यों बुलाते हैं? सिर्फ पापा तुम्हें इस नाम से बुलाते थे। मीनू, पापा और दीपक की बचपन की दोस्ती थी, मैं उसे 20 साल से जानती हूँ। हो सकता है, पर वो पापा तो नहीं है। कैन यू प्लीज हरी अप? हाँ बस एक मिनट, ठीक है। आपने इसका दाम गलत लगाया है, ये 200 रुपए की है, आपने 215 लिखा हुआ है। I'm sorry, इन दोनों के दाम एक ही हैं शायद। शायद से क्या मतलब है आपका? एग्जैक्ट प्राइस मालूम होना चाहिए। 15 रुपए की बात नहीं है, बात है प्रिंसिपल्स की। वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है। देखिए देखिए, 200 रुपए लिखा हुआ है और आपने 215 लगाया है। देखिए 200 लिखा है और 215 लगाया है इन्होंने। बुटीक में काम करना भी आजकल फैशन सा हो गया, एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। काउंटर पे पेमेंट प्लीज। ठीक है, मैनेजमेंट को लोगों को हायर करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। देख नंदनी, बुटीक में तो हर तरह के लोग आते हैं, इनकी बकवास का क्या बुरा मानना? अभी सुनने की आदत नहीं पड़ी। अरे खड़ी खड़ी क्या करी, लगा ना है? आशु, तुम ये मेनू से क्यों नहीं समझते? नो थैंक यू, आई कांट टीच फूल्स। मैं भी स्टूपिड सिस्टर से नहीं पढ़ सकता। शट अप आशु। आशु, पहले उसने मुझे फूल कहा, अब उसे क्यों नहीं कुछ कहते? पे अटेंशन आशु। अच्छा, तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी का होमवर्क खत्म हुआ? कब का खत्म हो गया? मम्मी, आपका मैथ्स इतना डिम क्यों है? पापा का तो नहीं था? पापा वाज ग्रेट एट मैथ्स, उन्होंने ही मुझे सिखाया था। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो मम्मी सिखा रही है। काम में ध्यान लगा, कोटी है या लदर बदर नहीं चलेगा। आज तक मैंने कोई नुकसान नहीं किया और तू? रहने देना केसरी, ग्लास ही तो है, कोई बात नहीं जिया। छाड़ो ना, आके कांच उठा ले केसरी, नहीं तो पाँव में चुभ जाएगा। हेलो, नंदनी बोल रही हूँ। अरे दीपक, हाँ कहाँ अभी इस वक्त? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ नहीं, बस निकल रही। ओके। मुझे जरा जाना है, जल्दी आ जाओ। आप खाने के टाइम पर आ जाओगे, नहीं तो खा के जाओ। नहीं केसरी, देर हो जाएगी। तुम ऐसा करना, बच्चों को खिलाकर सुला देना, और अगर मैं 9 बजे तक ना हूं तो मेरा खाना टेबल पर ढक के रख देना। और मेरा मैथ्स? प्रेस तो जैसे बहुत प्रोग्रेस हो रही थी। दैट्स एनफ, तुमने तो जैसे मदद के पुल बांध दिए है ना। आशु, बाकी एग्जाम्स हम कल करेंगे। अच्छा केसरी,
मीनू, मीनू उठो बेटा, अपने बिस्तर में सो जाओ। अभी आई हो? क्या टाइम है? खाना खा लिया? कुछ खा लिया था, अब भूख नहीं है। तुमने खाया? गुड नाइट अम्मा। गुड नाइट। खाना गरम करें बीबी जी? नहीं, चाय बिस्किट खा लिए थे। तुम प्लेटें हटा दो। खाना किसे नहीं खाया? मीनू ने नहीं खाया। मैंने तो बहुत कहा, समझाया भी कि अपना खाया भैया अपने ही काम आता है, पर नहीं मानी। आपका काम हुआ? शायद, कम से कम उम्मीद तो है। जल्दी करो ना, देर हो रही है। एक मिनट बस हो गया। हाँ हो गया। स्टॉप मूविंग लाइक दिस। बॉल रखी। बॉर्डर पड़ी तो है। सैंडविच। सैंडविच भी रख लिया। जल्दी करो, मैं बिना शर्ट के स्कूल कैसे जाऊंगा? लो। ओके बाय मां। बाय। मेरा और प्रिया का फोन आना था। हेलो। अरे दीपक, यू आर एन अर्ली राइजर। हाँ, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है ना। हाँ हाँ, कल शाम के लिए। थैंक्स वंस अगेन, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी तरफ से मनोज को भी थैंक्स देना। हाँ ओके बाय। केसरी, आज अकेली आई है? जया को साथ नहीं लाई? क्या हुआ? क्या बात है? पता तो सही, बात क्या है? उसे ले गया। कल उसका मर्द आया था। हम खड़े देखते रहे। वो हमारे साखों के सामने उसे जबरदस्ती ले गया। पर तुम्हें जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? कैसे रुकती बीबी जी, मरा था उसका। क्या उसने उस औरत को छोड़ दिया? वो उसे भी घर ले आया है। क्या? मैंने उसे शादी के नरक में झोंक दिया बीबी जी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। शादी से पहले तो तुझे पता नहीं था, पर आप जो तूने उसे भेजा है, इसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या करती बीबी जी? चार दिन उसे अपने पास नहीं रख सकती थी? अरे, लड़की को कुछ पढ़ाने लिखाने के बजाय, उसे कुछ काम काज सिखाने के बजाय उल्टा उसे कुएं में धकेल दिया। बात तो जमाने से लड़ने की करती थी और पहली आजमाइश में ही हार गई। वो अपने मर्द के बगैर कैसे जीती बीबी जी? आज नहीं तो कल जया को भेजना ही था। नहीं, अब उसका जीवन उसके मर्द के साथ ही है। मीनू ने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं। तुमने पूछा क्यों नहीं? अरे यार, हमें क्या मालूम था कि इतनी देर लगाएगी। वो प्रिया के साथ तो नहीं गई? पता नहीं। गॉड सेक। हेलो मिसेस माथुर, वो अंबा है क्या? अच्छा अच्छा, घर पर है। मीनू तो नहीं आई? जी हाँ, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, थैंक्स।
मीनू प्रिया के घर तो नहीं गए? पता नहीं, वहां तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा। शायद सब लोग बाहर गए हैं, या हो सकता है फॉल सिंह जा रही हो, ये फोन ही डेड हो। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जाकर देखाती हूँ, वो प्रिया के घर ही होगी। तुम कैसे से कहना तुम्हें खाना दे दे। हेलो। हाँ माँ। हाँ मीनू आ गए, अभी अभी आई है। पता नहीं कहाँ गई थी, पूछ के बताओ। अच्छा तुम आ जाओ। हाँ ठीक है, ओके। कहाँ गई थी तुम? पता नहीं है माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान हुई है। कुछ कह सुनकर जाती, टाइम का कुछ ख्याल नहीं है? रात बिरात कुछ हो जाता तो। Shut up, both of you, leave me alone. मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कब गई थी, तुमसे क्या मतलब? ठीक है, ये जवाब अम्मा को भी दे है ना? हाँ दे सकती हूँ। C5K, मैं उनसे डरती नहीं हूँ। कहाँ थी तुम? अंजू के साथ थी, थोड़ी देर हो गई। ये अंजू कौन है? इसका नंबर तो फोन डायरी में नहीं है। मैं क्लास में है। वी आर नॉट सो क्लोज फ्रेंड्स, लेकिन वी जस्ट नो ईच अदर। तुम उसके घर पर थी? हम दोनों फिल्म देखने गए थे। कौन सी फिल्म? द बैंडिट क्वीन। इट्स एन एडल्ट फिल्म, तुम्हें मालूम था ना? फिर भी तुमने पूछने की जरूरत नहीं समझी। सो व्हाट, सही लड़कियां देखनी है लाइक ऑल माय फ्रेंड्स आर। झूठ मत बोलो, मैं प्रिया के घर गई थी, वो तो नहीं गई थी तुम लोगों के साथ? उसके पेरेंट्स ओल्ड फैशनड है, लेकिन अंजू तो गई थी। अंजू क्या करती है क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाओगी, समझी? कहना आसान है कि पूछ लो, लेकिन कब पूछे, कहां पूछे, यू आर नेवर देयर। ये सब बहाने हैं, और अगर इधर मैं बिजी रही हूं तो तुम लोगों के काम से घर का काम, दफ्तर का काम देखना तो पड़ता है ना? देखती हो तो कोई एहसान नहीं करती हूँ। एंड यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर मी, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। मैं जब चाहूंगी जहां चाहूंगी जा सकती हूँ। एंड यू डोंट हैव द राइट टू स्टॉप मी। अमित, मैं हार गई हूँ। आई एम अ फेलियर। तुम्हारे बिना ये सब नहीं संभाल सकती। तुम्हारे बिना तो मैं खुद को नहीं संभाल सकती। ये घर, बच्चे, इन्हें कैसे संभाल पाऊंगी? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं अब तुम्हारे बिना एक दिन और जीना नहीं चाहती। अम्मा, तुम रो रही हो, प्लीज मत रो अम्मा, प्लीज। हमने तुम्हें बहुत तंग किया बट अम्मा, अम्मा आई एम सॉरी, प्लीज मत रो। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, पापा भी नहीं है और तुम तो जैसे पापा को भूल ही गई हो, यू डोंट इवन केयर एनीमोर। जिद करने लगी कि तुम्हें खुशबू को देखना है। तुमने गुलाब की एक एक पंखुड़ी
तोड़ डाली, लेकिन तुम्हें खुशबू दिखाई नहीं दी, तुम जोर जोर से रोने लगी। आज तुम मुझसे कुछ वैसा ही चाहती हो, लेकिन अपनी मुट्ठी खोल के दिखाने को मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा की याद है, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती, मैं समझा नहीं सकती। ये घर, तुम दोनों सब उस याद से जुड़े हो। मीनू, ये याद ही तो है जो मुझे संभलने की हिम्मत देती है। And somehow I just keep going on. लेकिन सब कुछ पहले जैसा रखने की कोशिश शायद नाटक बन गई, और तुम्हें मुझसे पूछना पड़ा कि तुम्हारे लिए प्राउड ऑफ यू।